जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रहा है बीएसएफ की तरफ से। बीएसएफ में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आया हुआ है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस है जैसे आपको देखने को मिल जाएगा, अभी ये ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑफिशियल साइट पर बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे अपडेट कर दिया जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा। और ये शॉर्ट नोटिस है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसको आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना होगा करेंगे पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा अपने किसी ब्राउजर के गूगल सर्च बार पर, और यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ऑल जॉब्स फॉर यू डॉट कॉम, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा। मैं ऑफिशियल पेज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको आ जाना होगा नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप में देखने को मिल जाएगा बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2021, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल, तो आप इस पेज पर आएंगे और इस पेज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसी पेज पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2021। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, अप्लाई ऑनलाइन एसआई कांस्टेबल नोटिफिकेशन आउट, इसका नोटिफिकेशन आ गया। चलिए मैं आगे पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ। और अपडेट के बारे में बात कर लें तो आज ही अपडेट निकल के आया हुआ है 17 जून 2021, इसीलिए आपको बताया आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। जैसे नीचे आएंगे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिस से देखना चाहते हैं पूरी जानकारी, तो आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। और बहुत जल्दी मैं ये वीडियो लंबा नहीं करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से आकर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर ओपन होगा, और कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आकर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो मैं लंबा नहीं बनाऊँगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे देख पाएंगे आपका बीएसएफ की वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ की, इसमें वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है बीएसएफ 2021, और इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म ये फिल किया जाएगा। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन मोड और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर आप देख पाएंगे। और जैसे नीचे आएंगे पोस्ट नेम देखने को मिल जाएगा वैकेंसी, और यहाँ फ्रेंड्स ग्रेड पर आपको देखने को मिल जाएगा क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप अपना चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा एसआई स्टाफ नर्स का है, इसमें टोटल 37 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एएसआई का है, इसमें एक पोस्ट है। उसके बाद एएसआई लेबोरेटरी का है, इसमें आपको 28 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ग्रेड पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 12th और डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है इसके लिए। और जैसे नीचे आएंगे पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। जब से स्टार्ट होगा आपको 30 दिन का समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा, जैसे आएगा मैं इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। और यहाँ पर पब्लिश डेट नहीं दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पर जून कितने जून का, ये 16 जून 2021 का है। तो यह सब आपको सही नहीं दिख रहा होगा, तो आपको बैक होना होगा और आप यहाँ से पूरी जानकारी ले पाएंगे आपका कितना पोस्ट है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेशनल नेम बीएसएफ, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होगा, टोटल 110 पोस्ट है। और लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला पोस्ट नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। कमिंग सून बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा अगला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, हो सके तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आगे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल 110 पोस्ट है। और यहाँ पर कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगा, कौन से पोस्ट के लिए क्या एज मांगा गया आप यहां से चेक कर लीजिएगा। और मैं नहीं बता रहा हूं, वीडियो बैकग्राउंड में नॉइज आपको सुनने को मिल रहा होगा, तो आप यहां से पूरी जानकारी आकर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 12th पास बोला था, डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाएगा नर्सिंग से। अगर आप लेबोरेटरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 आप पास होना चाहिए। उसके बाद में डिप्लोमा मांगा गया है। हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी के लिए आपको 12th पास मांगा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 1 ईयर्स का वेटनरी यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद कांस्टेबल वार्ड बॉय के लिए आपको 10th मांगा गया है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा, इसके लिए फ्रेंड्स आपको 10th मांगा गया है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, इसे नीचे आएंगे यहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे।